deep in the shadows. पेट में दर्द हो रहा है आज? आर्या का पेट में दर्द हो रहा है, तो देखिए बच्चों का जब पेट में दर्द हो रहा है या गर्म हो जाए तो आप उसको घर में कैसे मतलब क्या करते हैं, देसी इलाज कर सकते हैं एंड ठंडा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसे बड़ा सा बाउल में आप ले लेना पानी। ये पूरा मतलब नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर को आप क्या करोगे, ये देखिए ये जो नाभि है ना, नाभि में आपको ऐसे घिसना है। अभी इसको क्या करना है कि ऐसे आप स्पून लीजिए या आपको अगर चाहिए तो आप बाउल लीजिए। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद देखना आप ये जो पानी है ना, ये थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा, हाँ ठंड। और आप अगर चाहे तो ज़्यादा पेट अगर गर्म है तो दोबारा चेंज करके फिर पानी। ऐसे आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप ऐसे करिए, देखना पक्का है कि पेट ठंडा होकर थोड़ा सा आपका पेट में अगर दर्द हो रहा होगा, बच्चों का होता है, तो ये सही हो जाएगा। ये देसी इलाज है पेट ठंडा करने का। और किसके लिए मतलब जैसे पेट में दर्द होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी बच्चों को पता नहीं चलता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे अभी आप करते चलिए। आइसक्रीम खा ली थी इसलिए पेट खराब हो गया उसकी। और इसको ऐसे धीरे धीरे करना है, मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना। अगर स्पून में भी आप चला रहे तो भी ठीक है, नहीं तो आप धीरे धीरे चलाना है, ठीक है। ये देखिए धीरे धीरे बिल्कुल। देखिए अभी 10 मिनट के आसपास हो गया ना, तो अभी ना आप खुद ही महसूस करना ये पानी ना पहले से थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन आप खुद ही एहसास कर पाओगे कि पानी देखिए गर्म लग रहा है। ये ना मैं आर्या को बचपन से करती हूँ, है ना बेटा, जब भी दर्द होता है तो ये चीज मेरी मम्मी से ही मैंने सीखी थी। ये पानी को अभी आप फेंक देना लेके, ये देखिए पानी बिल्कुल साफ है, ये ले मम्मा फेंक दो। देखो अभी पेट में क्या होता है ना, बच्चों का ये थोड़ा सही रहता है। मेरा तो भी निकला हुआ है।